हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और आज दिन है बृहस्पतिवार, थर्सडे, दिसंबर का मंथ है और ठंडी के समय में सबके घरों में कुछ ना कुछ नाश्ता बनता है। बाहर का कितना आदमी खाएगा, तो मैं आज चाउमीन बनाऊंगी जो कि मेरे बेटे को बहुत पसंद है, मेरे यहाँ की चाउमीन, और जिसमें मैं कुछ घर की सब्जियों से मैं इसे बनाऊंगी। तो आइए दिखाते हैं आपको कि मैं इसमें क्या डाल के इसे बनाऊंगी आज। तो ये है चाउमीन, एक पैकेट चाउमीन है, चार पोटैटो है, कैप्सिकम है, टमाटर है और गाजर, बीन्स और स्प्रिंग ऑनियन, और इसमें दो चीज़ और ऐड करूँगी, एक हरी मिर्च और प्याज। तो मैं अब थोड़ी देर में इसे स्टार्ट करूँगी, ये इंग्रेडिएंट डाल के मैं चाउमीन बनाऊंगी जो कि बहुत टेस्टी और हेल्दी है और बहुत ही अच्छा लगता है घर का बना हुआ खाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो मेरी पसंद आए जो मैं ब्लॉग बना रही हूँ, तो प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक्स बटन दबाएँ। तो ऐसे नहीं, रुको, ऑफ करो। तुम बोले या क्या बोले? क्या बोलो, इधर डालो, इधर तो सबसे पहले प्याज डालते हैं, इसको फ्राई करेंगे। और ये देखिए, ये सब्जियां मैंने काट के रखी हुई है, ये शिमला मिर्च है, बीन्स है, स्प्रिंग ऑनियन, गाजर, ये चाउमीन बॉल, ये मिर्च, ये पोटैटो, और ये मैंने प्याज को भी तेल में फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद हम लोग डालेंगे मैगी मसाला, चाउमीन मसाला, ये मैगी मसाला नहीं, चाउमीन मसाला हम लोग डालेंगे, जिसके बाद थोड़ा सा कलर में चेंजिंग आएगा और टेस्ट बेहतरीन हो जाएगा। इसको धीमी आंच में पकाएंगे। देखिए कलर चेंज हो गया, गौर कर रहे हैं आप। उसके बाद थोड़ा सा लेंगे गाजर का टुकड़ा और डाल देंगे। इसे जला कर जो पहले जो वेजिटेबल है मिला देंगे। फिर इसको 5 मिनट भूनेंगे। अब क्या हुआ कि भूने हुए जो थोड़ा सब्जी है उसमें थोड़ा सा निकाल लेंगे, क्योंकि एक बार में इतना सारा चाउमीन तो हो नहीं पाएगा, इसलिए हम उसको 2 पार्ट में करेंगे। अब इसमें क्या है कि चाउमीन डाल देंगे हम लोग और उसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 5 मिनट तक इसको अच्छे से फ्राई करेंगे और ये उसके बाद तैयार हो जाएगा एक अपना घर वाला चाउमीन, विदाउट एनी केमिकल, विदाउट एनी सॉस, नेचुरल, फ्रेश। खाए और पड़ोसी को भी खिलाए, इससे हाजमा भी ठीक रहता है और किसी तरह का कोई इफेक्ट, साइड इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो आजकल जो सॉस आती है मार्केट में वो सब इफेक्ट करती है बॉडी को। और हम लोगों ने तरीका निकाला कि भैया सिंपली घरेलू चाउमीन, चाउमीन का टेस्ट मिले और लोग बढ़िया से खाएँ बिना किसी शारीरिक तकलीफ।
अब क्या हुआ कि भुजे हुए जो थोड़ा सब्जी है उसमें थोड़ा सा निकाल लेंगे, क्योंकि एक बार में इतना सारा चाउमीन तो हो नहीं पाएगा, इसलिए हम उसको दो पार्ट में करेंगे। अब इसमें क्या है कि चाउमीन डाल देंगे हम लोग और उसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 5 मिनट तक इसको अच्छे से फ्राई करेंगे और ये उसके बाद तैयार हो जाएगा एक अपना घर वाला चाउमीन विदाउट एनी केमिकल, विदाउट एनी सॉस, नेचुरल फ्रेश। खाए और पड़ोसी को भी खिलाए, इससे हाजमा भी ठीक रहता है। और ये रहा फ्रेंड्स हमारा चाउमीन बनकर तैयार, घरेलू चाउमीन। बताइए कैसा लगा, कमेंट्स करें।